गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में अष्टक नियम की कमियां और लुईस बिंदु प्रतीक कंप्लीट हो गया था। अब आपका अगला टॉपिक है औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश, औपचारिक आवेश या क्या बोलते हैं, फॉर्मल आवेश। ओके बच्चों, देखो औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश क्या होता है। अणु या आयन में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहा जाता है, औपचारिक आवेश। अणु या आयन में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलोगे, औपचारिक आवेश। लुईस संरचना से औपचारिक आवेश की गणना की जाती है। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो पहले उसकी लुईस संरचना बनाएंगे, फिर किसकी गणना होगी, औपचारिक आवेश की। ओके बच्चों, तो देखो औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश, औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश किसे कहते हैं, अणु या आयन में, आयन में परमाणुओं पर, परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश कहते हैं, औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश कहते हैं। ओके बच्चों, औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश क्या होता है। अणु या आयन में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश कहते हैं। लुईस संरचना से किसकी गणना की जाती है, औपचारिक आवेश की। तो देखो लुईस संरचना से, लुईस संरचना से औपचारिक आवेश की, औपचारिक आवेश की गणना की जाती है। लुईस संरचना से किसकी गणना की जाती है, औपचारिक आवेश की। अब अपन पहले औपचारिक आवेश का सूत्र लिख रहे हैं, फिर ही अपन अणु या आयन में किसकी गणना करेंगे, औपचारिक आवेश की। तो देखो औपचारिक आवेश बराबर, औपचारिक आवेश बराबर होता है मुक्त परमाणु में, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की
कुल संख्या, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, चाहे आपके पास माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, केवल मुक्त परमाणु मान के यहाँ पे क्या लिखनी है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एक बटा दो आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ये है औपचारिक आवेश का सूत्र। मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एक बटा दो आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। जैसे अपन पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं O3 में किसकी गणना करोगे, औपचारिक आवेश की। तो देखो, सबसे पहले औपचारिक आवेश की गणना किससे होती है, लुईस संरचना से। तो O3 की लुईस बिंदु संरचना बनाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके में भी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें भी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6, 2, 8, 6, 2, 8। 6 तो है, 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगा, तो 6, 2 कितने हो गए, 8। ये क्या बन गई, लुईस संरचना। क्या बन गई, लुईस संरचना। अब देखो, इसको ऑक्सीजन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन सेकंड मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन थर्ड मान लेते हैं। किसी को भी तुम फर्स्ट सेकंड मान लो, जरूरी नहीं मैंने इसको माना तो तुम भी इसको मानोगे। तुम इसको भी ऑक्सीजन फर्स्ट मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। अब एक एक ऑक्सीजन में आप किसकी गणना करोगे, औपचारिक आवेश की। ओके बच्चों, तो देखो, ऑक्सीजन फर्स्ट में औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश बताओ। सूत्र के हिसाब से करते जाओ। मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6 माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। बताओ ऑक्सीजन फर्स्ट में कितने एकांकी बच रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 4 माइनस 1/2 गुणा आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। देखो, तुम्हारे जैसे समझ में आए तुम वैसे ही कर लो। इस ऑक्सीजन फर्स्ट में कितने आबंधित इलेक्ट्रॉन हैं, 4। या तुम ऐसे कर लो, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक में एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, माइनस, वही क्या हो जाएगा, आबंधित। या तो तुम यहाँ पे देख लो कि ऑक्सीजन में कितने आबंधित हैं, 4। या तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आए तो तुम ऐसे कर लो, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक में से क्या माइनस कर दोगे, एकांकी।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 में से 4 गए तो कितने बच गए, 4। बोलो 2 × 4 बराबर 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 2 गया कितना आया, 0। तो ऑक्सीजन फर्स्ट में औपचारिक आवेश कितना है, 0। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखो ऑक्सीजन सेकंड में औपचारिक आवेश, ऑक्सीजन सेकंड में औपचारिक आवेश वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस ऑक्सीजन सेकंड में कितने एकांकी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे कितने लिख दूँ, 6 माइनस 1/2 गुणा आबंधित कितने हैं, 2, 1 और 2, दो ही बंधे हुए हैं ना, तो आबंधित कितने हुए, 2। या 8 में से 6 गए तो कितने बच गए, 2। 2 से क्या कैंसिल हुआ, 2, और क्या आ गया, माइनस का 1। 6 में से 6 गया 0, माइनस का 1। इसी प्रकार ऑक्सीजन थर्ड में करोगे, ऑक्सीजन थर्ड में औपचारिक आवेश देखो वही 6 माइनस ऑक्सीजन थर्ड में एकांकी कितने हैं, 2, माइनस 1/2 आबंधित कितने हैं, 4, 2, 6। वैसे भी 8 में से 2 गए तो 6, 2 × 3 = 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1। ये हो गया O3 में औपचारिक आवेश की गणना। पहले लुई संरचना बनाओ, फिर एक एक परमाणु में औपचारिक आवेश की क्या करते जाओगे, गणना करते जाओगे। ओके बच्चों, तो अणु या आयन में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश या फार्मल आवेश कहते हैं। लुईस संरचना, ये लुईस संरचना है, लुईस संरचना से औपचारिक आवेश की गणना की जाती है। औपचारिक आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। चाहे आपके पास प्लस वाला हो माइनस वाला हो, इसमें तो रियल में जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उतने ही लिखोगे। ओके बच्चों, एकांकी जितने बचते हैं एकांकी लिख दो। आबंधित मैंने दो तरीके से बताए हैं, अगर तुम्हें आबंधित ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं आए तो जो भी आपको उदाहरण दिया गया है उसके परमाणु के परमाणु क्रमांक में से क्या माइनस कर दोगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे। ओके बच्चों, अब देखो जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल और बताती हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल है NO2 माइनस। सबसे पहले क्या बनाओगे, लुईस संरचना। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 के बाह्यतम कोश में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके में भी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 5, एक माइनस लग रहा है तो 5 × 3 कितने हुए, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बोलो 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 8 और 6 × 2 = 8। ये तो NO2 माइनस की क्या बन गई, लुईस संरचना।
ऑक्सीजन फर्स्ट और ऑक्सीजन सेकंड, ये नाइट्रोजन हो गया। तो देखो नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश बराबर, सूत्र लगाओ, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, चाहे नाइट्रोजन पे यहाँ पे माइनस हो लेकिन नाइट्रोजन को मुक्त मानकर इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाँच। मैंने पहले बताया चाहे माइनस हो प्लस हो, पहले वाले में तो केवल रियल में संयोजी लिखने हैं, तो कितने लिखो, पाँच माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, कितने एकांकी बचे हुए हैं, दो, माइनस एक बटा दो गुणा आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, कितने आबंधित, चार और दो छः, चार और दो छः, वैसे भी कर लो सात और एक आठ, आठ में से दो गए तो छः, तो आबंधित कितने हुए, चार और दो छः, बोलो दो तिया छः, पाँच में से दो गए तो तीन, तीन में से तीन गया तो जीरो। ओके बच्चों, अब देखो ऑक्सीजन फर्स्ट पर औपचारिक आवेश बराबर, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, छः, तो देखो छः माइनस एकांकी कितने हैं, दो और दो चार, चार माइनस एक बटा दो, आबंधित कितने हैं, दो और दो चार, कितने आबंधित हैं, चार, वैसे भी आठ में से चार गए तो कितने बचेंगे, चार, दो दूनी चार बराबर छः में से चार गए दो और दो में से दो गया जीरो। ओके बच्चों, अब ऑक्सीजन सेकंड पर औपचारिक आवेश बराबर वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने, छः, एकांकी कितने हैं, तीन और तीन छः, माइनस एक बटा दो, आबंधित कितने हैं, दो, एक और एक दो, दो से दो, छः में से छः गया जीरो, माइनस का एक। इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल NO3- का करोगे या नहीं बनेगा, दोबारा बता देती हूँ मैं, ये NO2- है, अब तीसरा एग्जाम्पल किसका करोगे, NO3- का। तो तीसरा एग्जाम्पल देखो NO3-, सबसे पहले क्या बनाओगे, लुईस संरचना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में वो ही छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में पाँच तो होते हैं और एक माइनस लग रहा है, तो पाँच और एक कितने हुए, छः, तो देखो एक दो तीन चार पाँच और छः, ये नाइट्रोजन के हो गए, छर दो आठ, छर दो आठ, छर दो आठ, छः तो है दो एक से ले लेगी तो कितने हो गए, चार दो छर दो आठ। ओके बच्चों, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड और ये ऑक्सीजन थर्ड, ये केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन में
औपचारिक आवेश बराबर। नाइट्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। एकांकी कितने हैं नाइट्रोजन में? कुछ भी एकांकी नहीं बचे हुए, सारे काम आ गए, नहीं बचे हुए ना एकांकी, एक भी नहीं है नाइट्रोजन में। तो कितना लिखूं? 0 - 1/2 गुणा आबंधित कितने हैं? 4, 2, 6, 2, 8। देखो 4 तो ये रहे 2 ये रहे 2 ये रहे, तो 4, 2, 6, 2, 8। 2 चौक 8, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1। ऑक्सीजन फर्स्ट में औपचारिक आवेश बराबर। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में वही कितने हैं? 6 माइनस ऑक्सीजन फर्स्ट में एकांकी 2 और 2 4 -1/2 गुणा आबंधित कितने हैं? 4। वैसे भी देख लो 8 में से 4 गए तो 4, 2 × 4 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 2 गया 0। ऑक्सीजन सेकंड में औपचारिक आवेश बराबर वही 6 माइनस ऑक्सीजन सेकंड में एकांकी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 -1/2 और आबंधित कितने हैं? 2। 2 से 2 -1। अब देखो ऑक्सीजन थर्ड में औपचारिक आवेश बराबर 6 माइनस एकांकी 3 और 3 6 -1/2 गुणा आबंधित कितने हैं? 2। तो 2 से 2 और -1। ये किस में हो गया? NO3- में। ओके बच्चों, अब देखो अपन चौथा एग्जाम्पल करेंगे CO3-2 में। चौथा एग्जाम्पल करोगे CO3-2 में, सबसे पहले लुई संरचना बनाओगे, कार्बन ऑक्सीजन 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 तो है, -2 लग रहा है, तो 4 और 2 कितने हुए? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बोलो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 तो है, 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगी, तो 4, 2, 6, 2, 8। ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड और ऑक्सीजन थर्ड। कार्बन पे करोगे, कार्बन में औपचारिक आवेश, कार्बन में औपचारिक आवेश। बताओ कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 माइनस एकांकी कुछ भी नहीं बचा हुआ, 6 थे 6 हुई, ऑक्सीजन ले लिए, 0 - 1/2 गुणा आबंधित कितने हैं? 4, 2, 6, 2, 8। अब देखो 8, 2 चौक 8 कितना आया? 0। वैसे भी देख लो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 6, 2, 8। ओके बच्चों, इसी प्रकार ऑक्सीजन फर्स्ट में औपचारिक आवेश
बराबर छः माइनस तीन तीन छः एकांकी माइनस एक बटा दो गुणा आबंधित कितने हैं दो, दो से दो और माइनस का एक। इसी प्रकार ऑक्सीजन सेकंड में औपचारिक आवेश बराबर वही छः माइनस, अब सेकंड ये है एकांकी कितने बचे चार माइनस एक बटा दो आबंधित देखो कितने हैं चार, चार दो दूनी चार, छः में से चार गया दो और दो में से दो गया जीरो। ऑक्सीजन थर्ड में औपचारिक आवेश बराबर छः माइनस एकांकी तीन और तीन छः माइनस एक बटा दो गुणा आबंधित कितने हैं दो, तो दो से क्या कैंसिल हो गया दो और माइनस का एक। ये है CO3 माइनस टू में औपचारिक आवेश की गणना। ओके बच्चों, तो अणु या आयन में परमाणुओं पर उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश कहा जाता है। लुईस संरचना से औपचारिक आवेश की गणना की जाती है। औपचारिक आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एक बटा दो गुणा आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। मैंने आपको चार एग्जाम्पल बता दिए हैं O3, NO2- NO3- CO3- -2। मुझे आशा है कि तुम्हारे सबके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो ऐप पे या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिए। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।